परम श्रद्धेय रामदेव बाबा जी और उनके सभी आदरणीय अधिकारी गण और आत्मीय सन्यासी कार्यकर्ता ब्रह्मचारी साध्वी गण, आशीर्वचन तो आपको प्राप्त ही है। श्रद्धेय रामदेव बाबा जी आपके सामने है, उनकी छाया में जब तक आप है आपको किसी अन्य आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। परंतु मुझे कुछ कहने के लिए कहा गया है, इसलिए आपका समूह देखकर जो मेरे मन में आता है वो बात मैं आपके सामने रखता हूं। हम लोग यहां है तो किसी प्रयोजन से है, वो प्रयोजन हमको जानकारी में आया, अच्छा लगा और उस प्रयोजन से जुड़ जाने का संकल्प हमने किया, इसलिए हम यहां पर है। और वो प्रयोजन अपने राष्ट्र को, जैसा कहा, आत्मवित, वेदवित और ब्रह्मवित, क्योंकि विश्व में अपने राष्ट्र का प्रयोजन भी यही है, सारा विश्व ऐसा बने तो विश्व की सृष्टि जिसके लिए हुई वो प्रयोजन सफल होगा। और ऐसा समय समय पर विश्व को उसके प्रयोजन का ध्यान लाके देना और उसको सुपंथ पर अग्रेसर करना, ये दायित्व भारत का है, भारत के समाज का है। और इसलिए भारत के समाज में ये गतिविधि नित्य चलनी चाहिए। जब तक अर्जुन के रथ पर कृष्ण सवार थे, अर्जुन के रथ की मजबूती थी। कृष्ण रथ से उतर गए, रथ जल गया। कृष्ण निर्वाण को प्राप्त हो गए, अर्जुन अपने महिलाओं की रक्षा नहीं कर सका, अपने परिवार की। छोटे डकैतों ने घेर कर और महिलाओं को भगा लिया। ये सारी कथाएं जो कही है वो घटी है नहीं घटी है इसका विवाद मैं नहीं करता। इसका बोध ये है कि हम निमित्त बने इसलिए हम बड़े हैं। कुमारों को मिट्टी उकेरने गए जंगल में, मिट्टी ले जाना और बर्तन बनाना, तो मिट्टी उकेरते समय वहां एक मूर्ति मिली। पूरा कुमारों का ही गांव था और मिट्टी लोर जानी पड़ती थी, उसके लिए गधे ही थे, दूसरे कोई वाहन नहीं था। तो उन्होंने उस मूर्ति को सम्मान पूर्वक निकाला, एक गधे पर उसको सजाकर बिठाया और गांव में बड़े गाजे बाजे के साथ लेके आए। हर घर के सामने मूर्ति ठहरती थी, उसकी पूजा होती थी और प्रसाद मिलता था, गधे को भी मिलता था मिठाई वगैरह। तो 8-10 घरों में जाने के बाद गधे को लगा कि मेरा महत्व बहुत बढ़ गया है और इसलिए फिर पूरा हो गया और मूर्ति की प्रतिष्ठापना एक जगह कर दी उन लोगों ने और गधे को छोड़ दिया। तब वो एक घर के सामने अपेक्षा से कि वही मीठा भोजन मुझे खिलाएंगे, अब दूसरे दिन सुबह खड़ा हो गया। अब वो जाओ हटो हटो कहने लगे तो माना नहीं, रंभाने लगा, तो फिर उसको डंडे की मार पड़ी क्योंकि मान उसका नहीं था, मान उस मूर्ति का था। ऐसे ये अनुकूलता, ये सम्मान, ये सहायता, ये समर्थन, ये हमारे लिए नहीं होती, हम जो कार्य कर रहे उसके लिए होती है। एक फ्रांसीसी सेनापति पहले महायुद्ध में चारों ओर से घिर गया और उसको हाईकमांड से, यानी हेडक्वार्टर से, पेरिस से सिग्नल आया, तुम क्या क्या स्थिति है बताओ। तो उसने टेलीग्राम भेजा कि मेरा बाया अंग जो है, यानी मेरी बाई विंग जो है मेरे सेना की, वो तो पूरी ध्वस्त हो गई और देना है वो कुछ देर में ध्वस्त हो जाएंगे।
सामने तो शत्रु ही दिख रहा है और कुछ नहीं, और लगता है कि पीछे भी शत्रु है, हम चारों ओर से घिर गए हैं, बहुत अच्छी सिचुएशन है, अब मैं हमला करूंगा। देखिए वर्णन क्या है, कोई आशा नहीं, और उम्मीद क्या है, अब मैं हमला करूंगा। ये विरोध में काम करने का तरीका हिम्मत के साथ, ये दूसरी बात। और फिर उसके बाद आता है अनुकूलता, फिर सब लोग स्तुति करने लगते हैं, जहां जाएंगे वहां समर्थन मिलता है। लेकिन ये भी खतरा है, कार्य तो अपना सुकरता से होता है, उत्साह बढ़ता है, सक्रियता अपनी भी बढ़ती है और सक्रिय रहने वाले और भी लोग आ जाते हैं, परंतु इसके चलते कई प्रकार के मोह आकर्षण उपस्थित हो जाते हैं। हमारा ये जो सारा संबंध वगैरह वो हमारे ध्येय से है, किसी और बात से नहीं है। व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति जाते हैं, कार्य चलते रहता है, कार्यक्रम से जुड़े नहीं, हमको भाई यही पसंद है, अब दूसरा करना पड़ेगा, नहीं वो हम नहीं कर सकते, हमारी रुचि नहीं है, ऐसा कार्य की सफलता के लिए जो आवश्यक है करना पड़ेगा। और इसके लिए अनामवादिता चाहिए। कार्य की सफलता के लिए कृष्ण ने जाकर धर्मराज को बोल दिया कि आप थोड़ा सा संदिग्ध बोलो। अब संदिग्ध है ना, क्या झूठ ही है ना। अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया और बारीक आवाज में कहना हाथी की मनुष्य मुझे ध्यान में नहीं आया, ये सुनाई न दे, इतनी धीमी आवाज में कहना, ये झूठ बोलने का ही तरीका है। युधिष्ठिर की प्रतिष्ठा है सत्यवादी, द्रोणाचार्य उसको पूछने के लिए आते हैं कि ऐसा मैं सुन रहा हूं ये सही है क्या, तुम बताओ। सारी अक्षौहिणी और सात अक्षौहिणी, 18 अक्षौहिणी की और जमावड़े में एक युधिष्ठिर है जिस पर विश्वास है, उसको द्रोण पूछने के लिए आते हैं। और युधिष्ठिर ऐसे बोलता है, क्यों बोलता है, कृष्ण ने कहा ऐसा बोलो, विजय के लिए आवश्यक है। और युधिष्ठिर ने मान लिया, ये जरूर है उस असत्यवादिता के कारण उसका रथ नीचे आ गया, और तब के वर्णन के अनुसार मरने के बाद इन्हें उधर जाने के बाद उस पार नरकवास का कुछ अनुभव उनको करना पड़ा। लेकिन युधिष्ठिर ने ऐसा विचार नहीं किया कि मैं बड़ा सत्यवादी हूं, मेरी ये कीर्ति है, तो वो कीर्ति पहले, युद्ध में धर्म की विजय बाद में, ऐसा नहीं सोचा। कर्ण ने ऐसा सोचा, कर्ण को सूर्य ने आकर बताया कि पुत्र तुम ध्यान रखो, ये मांगने के लिए आने वाला इंद्र है और तुम्हारे कवच कुंडल मांगेगा, वो देना मत, क्योंकि अर्जुन के साथ तुम्हारा युद्ध होगा तब यही तुम्हारे रक्षक है। कर्ण ने कहा देखो याचक के रूप में कोई आकर मांगेगा तो ना कहना, ये मेरा ब्रीद नहीं है, मैं तो दानशूर हूं। अच्छी बात है, दान के लिए कर्ण के आदर्श का उल्लेख भी हम करते हैं, लेकिन उस आदर्श की रक्षा को उसने पहला माना और धर्म की विजय को उसने दूसरा स्थान दिया, तो परिणाम क्या हो गया। कार्य करते समय मैं मेरा बाद में, हम कार्य, हमने सबने मिलकर एक सहमति बनाई, कार्य ऐसा होना चाहिए, वो सहमति, क्योंकि कार्य तो आकर बात नहीं करता ऐसा करो ऐसा करो, हम सब लोग मिलकर विचार करते हैं, मेरी कुछ मति है और किसी की कुछ मति है, सबकी मति मिलाकर सबके पूर्वाग्रह कैंसल हो जाते, बायसेस रद्द हो जाते, और तो इसलिए पंचों की राय सर्वमत है, इसीलिए कहते हैं कि अगर 10 लोग मिलकर कुछ तय करते तो वो गलत होने की संभावना बहुत कम रहती, और हुआ तो भी 10 लोग मिलकर संभाल सकते। लेकिन ऐसे इसमें नहीं, नहीं, ये इन 9 लोगों को समझ में नहीं आता, मेरा ही सही है, ऐसा लेकर चलेंगे तो नहीं चलता। इसलिए भीम को युधिष्ठिर ने कहा, बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा था, हाथ पकड़ के बिठाया, देखो देखो भीम, एकदम ऐसा नहीं काम करना, सुमंत्रिते सुविक्रांते सुकृते सुविचारिते, सुमंत्रिते सबके साथ योग्य प्रकार की मंत्रणा करके सामूहिक निर्णय की बात यहां कही गई, सुविक्रांते बिना किसी दबाव के और बिना किसी निराशा से, सकारात्मक सोच के साथ, आक्रामक सोच के साथ,
सुकृते, मन में उद्देश्य अच्छा है, अच्छे उद्देश्य के लिए विचार कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल जिसको कहते हैं। कृष्ण ने ये सब करवाया, युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया। क्यों बुलवाया? क्योंकि उनका गोल था धर्म के पक्ष का विजय होना चाहिए। अधर्मी है वो किसी प्रकार के छल कपट से नहीं चूकते और अपने धर्म पर अडिग रहने के कारण इनको कष्ट भोगने पड़ते। अब ये नहीं चलेगा, अब इनके ही गेम में इनके ही रूल से इनको मिट्टी चकाएंगे और बाद में जो धर्म है उसी का स्थापन करेंगे, उसी का मंडन करेंगे। ये सुकृत है और सुविचारित है, आगा पीछा बहुत सोच के, सोच समझ के काम करना चाहिए ना। गांव में एक साहूकार था, अच्छा पुराने जमाने का साहूकार, इसलिए साहूकार शब्द को जो बुरा अर्थ चिपका वैसा नहीं था। पैसा बहुत ज्यादा था, नौकर चाकर बहुत थे, तो खेत में जाना नहीं पड़ता था, धन पास में था, किसान आते थे मांगते थे, देता था, ब्याज नहीं लेता था, कुछ रख लेता था कि 3 महीने के बाद वापस करो, 4 महीने के बाद वापस करो। तो काम कुछ रहता नहीं था, कोई मांगने वाला आ जाए उसको देना, उससे कुछ रख लेना, और फिर दिन भर वो आंगन में बैठा हुक्का पीते पीते सोचते कुछ कुछ भी। आदमी खाली बैठता तो कुछ भी मन में आता है। एक किसान आया, 300 रुपया ले गया और तारण में अपना बैल बांध दिया। बैल बड़ा सुंदर था, उसके सींग भी जब कांकरेज गायों के वगैरह ऐसे होते हैं ना आकार वाले, वैसे सींग थे। अब ये बैठा हुक्का पीने वहां और सोचने लगा, तो उसके मन में आया कि बड़ा बहुत सुंदर आकार है, सिमेट्रिकल है, सुंदर, इसमें का तो चित्र बहुत अच्छा फ्रेम करके बैठा सकते हैं। लेकिन कौन सा चित्र? उसने कहा मेरा तो एक भी फोटो नहीं है घर में, अगर मेरा फोटो इसमें फ्रेम किया तो कैसे लगेगा। खूब सोचने लगा, खूब सोचने लगा, सोचते सोचते 3 महीना निकल गया। अब कल वो आएगा और बैल लेके जाएगा, उसके बाद ये आजमाने का प्रसंग नहीं है कि कैसा रहेगा। अगर देखना है वास्तव में कैसा रहेगा तो अभी देखना है, आज के दिन। तो वो घर में गया, एक दर्पण लेके आया और बैल बांधा था और चारा खा रहा था। ये कूद के उसके पीठ पर बैठ गया फटाक से और सिंह में मुंडी फंसाकर दर्पण सामने लाया। अब इसका तो ठीक है, लेकिन बैल को तो जैसे झटका लगा जोरदार, ऐसा कभी होता नहीं। तो बैल एकदम बिफर गया, उसने एक झटका मार के रस्सी तोड़ दी और भागा। अब ये उतरने को करे तो मुंडी फंस गई, अब चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। लोग घरों के बाहर आ गए, देखते तो गांव का साहूकार बैल के पीठ पर बंधा है और सिंह में मुंडी और हाथ में दर्पण। तो वो भी चिल्लाने लगे रे बचाओ, दौड़ने लगे, तो बैल और घबरा गया, भागा। अब 2 घंटा 2.5 घंटा ये तमाशा चला, कहां कहां घुमाया बैल ने उस साहूकार को पता नहीं। अंत में लोगों ने पकड़ा उसको, नीचे उतारा और मलम पट्टी करने के लिए घर ले आए, खटिया पर सुलाया। गांव के बुजुर्ग जमा हो गए, ये लगाओ वो लगाओ, भाग। भगवान की दया से कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी थी। गांव के बुजुर्गों ने पूछा कि ये सब ठीक है, लेकिन तुम वहां कैसे पहुंच गए भैया? ऐसा तो आदमी ऐसे नहीं मिलता कभी, बैल आके रोन दे अलग बात है, लेकिन तू उसके पीठ पर और सींग में मुंडी फंसा के कैसे? तो फिर उसने बताया कि मेरे मन में ऐसा आया, मेरा फोटो कैसा दिखेगा एक बार प्रत्यक्ष देखना था। तो बुजुर्गों ने कहा क्या रे, कैसा सोचते, कुछ कुछ सोच विचार के तो कर। तो सोच विचार पूरा 3 महीने सोचा ऐसा उसने। तो सोच विचार भी ठीक से होना चाहिए, सुविचारिते। युधिष्ठिर भीम को कहते हैं कि 4 प्रकार से जब पूरा सोच के हम काम करते हैं तब दैव भी अनुकूल हो जाता है, प्रदक्षिणा करता है। सिद्ध्यन्ति अर्था महाबाहो दैवम चात्र प्रदक्षिणम। इन सुमंत्रिते सुविक्रांते सुकृते सुविचारिते सिद्ध्यन्ति अर्था महाबाहो दैवम चात्र प्रदक्षिणम। तो इस प्रकार विचार करना पड़ता है, और ऐसा विचार करना है तो हमको अहंकार से अलग होना ही पड़ता है। उसकी भी आदत, विनम्रता की आदत, अहंकार से मुक्त होना तो बड़ी कठिन बात है, क्योंकि जितना ज्ञान बढ़ता है उतना अहंकार भी बढ़ सकता है। अज्ञानी को अहंकार पीड़ा नहीं देता, लेकिन भान रखेंगे तो
ये हो सकता है कि हम अहंकार को नियंत्रित कर सकते हैं, उससे अबाधित रह सकते हैं। थोड़ा बहुत अहंकार रखना भी पड़ता है शरीर को इस सृष्टि में रखने के लिए, ऐसा भी कहते हैं महात्मा लोग। हम कभी कभी उसके लिए कोई आदत भी लगा लेते हैं, वो ठीक है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन तो ये है कि ये नहीं करूंगा तो मैं प्राणों को ऊर्ध्वगति सीधा ब्रह्म कपाल से बाहर कर दूंगा, टिकने के लिए मुझे ये करना है, ऐसा वो कहते हैं। मालूम नहीं क्या है, लेकिन थोड़ा अहंकार तो अस्तित्व के लिए आवश्यक है, लेकिन वो थोड़ा ही रहे, मर्यादा से बाहर न हो, ये देखना पड़ता है। धृति उत्साह समन्विता, कभी कभी उत्साह रखना पड़ता है, कभी कभी धैर्य पूर्वक राह देखनी पड़ती है। अफजल खान शिवाजी महाराज पर चढ़ के आया, अब शिवाजी महाराज जानते थे इसका सामना करेंगे तो नाश होगा, सब जीत नहीं सकते, और अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन स्वराज्य करना शुरू किया है वो पूर्णता तक जाने के पहले ये हो जाएगा तो फिर से उठेंगे नहीं लोग। तो वो जाके जंगल में प्रतापगढ़ पर बैठ गए, और अफजल खान उनको बाहर लाने के लिए अनेक प्रयास उसने किए, लोगों को पीड़ा दी, खेत जला दिए, अत्याचार किए। कुल देवी तुलजा माता शिवाजी महाराज की, उसका मंदिर तोड़ा। महाराष्ट्र का कुल दैवत पंढरपुर का विठोबा, वहां जाकर गाय काटी, और उसको लगता था कि अब बाहर आएगा। लोग कहने लगे कि अरे कहां जाके छुप के बैठा, डरपोक शिवाजी बड़ी स्वतंत्रता की बात करता था, अब कहां गया उसका शौर्य, कहा गया उसका पराक्रम, बदनामी भी होने लगी। शिवाजी महाराज ने कुछ नहीं, वो बाहर आए ही नहीं, उल्टा उन्होंने इन अफवाहों को बढ़ा दिया कि शिवाजी बड़ा डर रहा है, अब तो नाम लेने से अफजल खान का थर थर कांपने लगता है, उसकी तो हिम्मत नहीं उसके सामने आने की, वो तो अपने अपराधों से बड़ा पश्चाताप दग्ध हो गया है वगैरह। और फिर अफजल खान के पास वकील भेजा कि हम तो डरते हैं आपके सामने आने से, आप इधर आएंगे ना तो मिलेंगे, वो भी आप ऐसे आओ, इतने ही लोग साथ में लेके आओ, आप इतने कदम आगे आओ, मैं इतने कदम। बड़ा अफजल खान अपने अहंकार में उसने सोचा कि वास्तव में डर गया। पूरी सेना अफजल खान की उस जंगल में लाई, अफजल खान को अकेले छावनी से दूर लाया, 50 केवल उसके साथी साथ, पूरी योजना बनाकर ऐसा मारा कि केवल 13 लोग वापस गए उस लड़ाई से अफजल खान। और उसके बाद तुरंत जो हमले किए चारों ओर, तो विजापुर की सीमा के बाहर सेना पहुंची शिवाजी महाराज की, वो डरे नहीं थे, ये उनका धैर्य था, वो प्रतीक्षा कर रहे थे ऐसे जितना संभव नहीं वो मेरे पिंजड़े में आ जाए, मेरे ग्राउंड पर खेले तब बताता। क्रिकेट में होता है ना कभी कभी, ये विकेट भारत को अच्छी नहीं है ऐसा कहते हैं, हमारे विकेट पर आओ फिर दिखाता। तो उन्होंने पूरा धैर्य रखकर उसको आने दिया, आने दिया, आने के लिए उसको आकर्षण भी दिया, और आने के बाद फिर नहीं छोड़ा, फिर जो उत्साह दिखाया 3 महीने के अंदर चारों दिशाओं में स्वराज्य का विस्तार हो गया। यह है धृति और उत्साह का समन्वय, कब उत्साह दिखाना कब धैर्य दिखाना। और फिर चौथी बात है सिद्धि असिद्धि निर्विकार, इतना सब करने के बाद भी सिद्धि मिलती है नहीं मिलती है, यह तो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, यश अपयश का मालिक वो है। इतने महापुरुष हुए ना, सबको सफलता लौकिक दृष्टि से नहीं मिली, लेकिन जिस किसी को मिली उसकी सफलता में उसके पहले के सब प्रयास करने वालों का योगदान था। 15 अगस्त 1947 की हमारी स्वतंत्रता वो केवल किसी एक के कारण नहीं आई है, 1857 प्रारंभ करने से जिन जिन वीरों ने प्रयास किए किसी न किसी प्रकार से, उन सबके करने का योगदान है कि 15 अगस्त 1947 में उनको स्वतंत्रता। और इसलिए वो वीर कैसे थे, उन्होंने जब देखा कि सफलता चली गई, अब नहीं अब हारेंगे, तो लड़ना नहीं छोड़ा, तात्या टोपे लड़ते रहे, बाबू कुंवर सिंह लड़ते रहे, नाना साहब पेशवा नेपाल में चले गए, वहां से प्रयास उन्होंने कुछ किए, कुछ बने कुछ नहीं बने, उन्होंने अंग्रेजों को पत्र लिखा, अंग्रेजों ने जाहिर किया था जो शरण आएंगे उनको हम बख्श देंगे,
नाना साहब पेशवा ने पत्र लिखा कि शरण वगैरह क्या आना, तुम यहाँ चोर यहाँ आकर बैठे हो हमारा राज्य लेकर, शरण आने की बात कहाँ है, आना है तो तुम आओ। तुम ऐसा मत समझो कि ये होने से हमारा हो गया, हम प्रयास करेंगे फिर उठेंगे। खुदीराम बोस ने माता को कहा कि तुम डरो मत माता, मैं फांसी जा रहा हूं, 9 महीने के बाद फिर से आऊंगा तुम्हारी गोद में और यही काम करूंगा। ये जो जिद है ठीक है, बार बार असफलता देख रहा है, लेकिन श्रद्धा है, संकल्प मेरा सत्य है, ये होना ही है, इसको लोकहित में होना ही चाहिए, मैं करके रहूंगा, असफल हो गए तो फिर वही करूंगा। इस प्रकार यश, और यश में कभी कभी वो मस्तक में चढ़ जाता है, फिर गलतियां करते हैं। हो गया, कौरवों का संहार हो गया, अब कुछ नहीं, आराम करो, सो गई पांडव सेना, रक्षण भी नहीं रखा। तो 3 वीर बचे थे केवल, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, और पैर टूटा दुर्योधन पड़ा था, उसकी आज्ञा पर इन 3 वीरों ने आकर सारी पांडव सेना को नष्ट कर दिया। वो तो भगवान कृष्ण 5 लोगों को निकाल कर ले गए थे दूसरी जगह सोने के लिए, इसलिए वो बच गए, नहीं तो कोई भी नहीं बचता। यश के कारण इस प्रकार की असावधानी आती है, उससे भी निर्विकार रहना पड़ता है, अपयश से भी निर्विकार रहना पड़ता है। इन बातों को संभाल कर अपना कार्य जब हम करते हैं ना, तब योग्य व्यक्तियों को, जिनकी श्रद्धा पक्की है और जिनका संकल्प दृढ़ है, जिनके मन में कोई स्वार्थ नहीं है, जो केवल ध्येय के लिए चल रहे हैं, उनको सफलता मिलनी ही मिलनी है। और इसलिए आप एक प्रयोजन से प्रतिबद्ध होकर यहां पर हो, उस प्रयोजन को जीवन में सफल करने में आपकी भूमिकाएं अलग अलग रहेंगी, लेकिन योग्यता सब जगह वही चाहिए और तैयारी भी सब जगह उसी प्रकार की चाहिए। इसलिए उस तैयारी का एक अंश वो मैंने आपके सामने रखा है, आप चिंतन कीजिए, जो उचित लगता है वो लीजिए, जो नहीं लगता वो छोड़ दीजिए।